वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुल रहमान और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूं। पाकिस्तान की टीम का ऐलान ना हुआ, चंद्रयान 3 जैसा मंसूबा लॉन्च करना हो गया। पाकिस्तान की टीम तो एशिया कप में जो है वो ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी थी, लेकिन नसीम शाह की इंजरी और फहर जमान, सलमान अली आगा स्पिनर्स और जो है वो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर मोहम्मद वसीम जूनियर और फहीम अशरफ की नाकिस परफॉर्मेंस के बाद सब कुछ जो है वो खराब हो गया और पाकिस्तान की टीम जो है वो शदीद मुश्किल का जो है वो शिकार है। लेकिन मसाइल इतने भी गंभीर नहीं है कि टीम का ऐलान ही ना हो सके। आज फिर जो है वो बाबर आजम, हफीज, कोचिज जो है ब्रेडबर्न, मिकी आर्थर, वाइस कैप्टन रेहान उल हक, चेयरमैन जखा अशरफ, मिसबाल हक जो हैं उनने आपस में तवील बैठक की है, जो कि सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड कप के स्क्वाड को फाइनल करने के लिए थी। लेकिन फिर भी जो है वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड का ऐलान नहीं किया गया और अब ये पीसीबी की तरफ से बताया जा रहा है कि कल सुबह जो है वो 11:30 बजे पाकिस्तान की टीम का वर्ल्ड कप के स्क्वाड का जो है वो ऐलान किया जाएगा। अलबत्ता जो आज की मीटिंग में जो है वो बड़ी गर्मा गर्म खबरें आ रही हैं, सुनने में आ रहा है कि मिसबाल हक और जो मोहम्मद हफीज और जो जका अशरफ है उनने बाबर आजम की जो उनने टीम बनाई हुई थी, उनने और इंजमामुल हक ने जो टीम बनाई हुई थी वो जका अशरफ ने बिल्कुल जो है वो मुस्तरद कर दिया है और उनने एक दफा फिर जो है वो मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम के लिए जो है वो आवाज उठाई है। इसी तरह मोहम्मद हफीज जो है उनने भी बाबर को अच्छी खासी सुनाई है, कोचिज को अच्छी खासी सुनाई है, मिसबाल हक ने अच्छे खासे जो है वो सवालात किए हैं, जिस पर बाबर आजम भी जो है वो काफी नाराज हैं क्योंकि बाबर आजम को भी आदत पड़ी हुई है कि वो बस टीम सेलेक्ट कर लेते हैं और उसी पर फिर जो है वो मोहर लग जाती है, उस पर कोई जो है वो कोई भी बात नहीं कर सकता। लेकिन बाबर आजम को इस दफा सही जो है वो टक्कर मिली है, जका अशरफ ने भी टक्कर दिया है, मोहम्मद हफीज अपने दो बंदे ऐड करवाना चाहते हैं और जो है वो मिसबाल हक अपने दो बंदे ऐड करवाना चाहते हैं, इंजमामुल हक जो है वो 4 से 5 चेंजेस चाहते हैं, बाबर आजम जो है वो ज्यादा चेंजेस नहीं चाहते और मोहम्मद आमिर के बारे में भी जो है वो आज अच्छी खासी बात हुई है। जका अशरफ की तरफ से कहा गया कि एक बंदा अगर फिट है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है और पूरी जो क्रिकेट के शायकीन उसके लिए आवाज उठा रहे हैं, सबका क्रिकेटर्स उसके लिए आवाज उठा रहे हैं, तो जब वो बंदा रेगुलर क्रिकेट खेल रहा है तो उसको पाकिस्तान को जितवाने के उसके अंदर अगर कैरिबल मौजूद है तो उसको फिर जो है वो क्यों टीम में शामिल नहीं किया जा रहा। तो बाबर आजम का कहना था कि हम जो अगर मोहम्मद आमिर को खिलाएंगे तो उसकी जगह पे जिस खिलाड़ी को जो हम निकालेंगे और तो उस खिलाड़ी के साथ ज्यादती हो जाएगी। तो जका अशरफ का आगे साफ साफ जवाब था कि भाईजान ज्यादती तो तब होगी कि वो खिलाड़ी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे और मोहम्मद आमिर को हमने नाकिस परफॉर्मेंस के बावजूद जो है वो टीम में शामिल कर लें, जब ये खिलाड़ी परफॉर्म ही नहीं कर रहे तो एक जो अच्छा खिलाड़ी परफॉर्म कर रहा है उसको टीम में शामिल करना चाहिए। और लेकिन मोहम्मद हफीज के बारे में जो है वो बात सुनने में आ रही है कि मोहम्मद हफीज जो है वो एक बार फिर मोहम्मद आमिर के मुखालफत में जो है वो उनने अलम बुलंद कर लिया है और उनका एक दफा फिर उन्हें यही पैगाम दिया है कि जो है वो जिनने एक दफा पाकिस्तान के माजी को दागदार किया है, जिनने पाकिस्तान के साथ जो है वो गद्दारी की है, जिनने जो है वो फिक्सिंग में जो बंदे मुलव्वस हैं उनको टीम में जगह नहीं बननी, टीम में खिलाना नहीं चाहिए। तो मेरा मोहम्मद हफीज से ये सवाल है कि भाईजान आप अपने उसूलों के ठीक, आपकी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ी खिदमत है, एक बंदा अगर वर्ल्ड कप जितवा सकता है वो कौन सा पक्का टीम में आ रहा है, वर्ल्ड कप अगर वो जितवा सकता है तो उसको वर्ल्ड कप खिलाने में क्या हर्ज है, सारी दुनिया जो है वो करती है इस तरह के काम। और अभी कुछ लोगों ने मुझे पीछे में कमेंट्स किया था, इंडिया के कुछ लोग थे कि भाईजान दूसरे फिक्सर नहीं होते, तो भाईजान आपको भी इंडिया वालों को भी पता है कि इंडिया के खिलाड़ी भी जो है वो किन किन मामलात में जो है वो फंसे होते हैं, लेकिन आईसीसी चूंकि आपके अपने वहां पे बंदे बैठे हुए तो पाबंदियां जब भी लगती हैं वो पाकिस्तान पे लगती हैं, अदरवाइज आपके खिलाड़ी भी जो है वो कुछ दूध के दूले हुए नहीं है, वो भी सारे इस तरह की सरगर्मियों में मुलविस रहते हैं और जो है उनको भी पकड़े जाते हैं, फिर उन पर थोड़ी सी इंक्वायरी होती है और बाद में चूंकि वो चोर कुत्ती के साथ रड़ी हुई है, मिली हुई है, तो इस वजह से इंडिया के जो लोग हैं, इंडिया के जो खिलाड़ी हैं वो हमेशा छूट जाते हैं और नजला बेचारा जो है वो हर दफा पाकिस्तान जैसी कमजोर टीम्स पर उठाया जाता है और वैसे भी बीसीसीआई वैसे भी पाकिस्तान के साथ रवायती हरीफ होने की वजह से पाकिस्तान का खिलाड़ी जो भी अच्छा खेल रहा होता है उसको जो है वो ऐसे मामलों में फंसाने की जो है वो कोशिश करता है और वो बुकीज जिसने रब्ता किया था वो भी एक इंडियन ही था और इंडिया जब भी कोई बुकीज पकड़े जाते हैं तो उसमें इंडिया के बुकीज सबसे ज्यादा पकड़े जाते हैं, तो ये भी इंडिया वालों को ख्याल रखना चाहिए। और मेरा सिर्फ और सिर्फ ये मुताबिक है कि या तो आमिर को जो है वो आप खिलाते ही नहीं, जब आपने उसको जो है वो 2016 का वर्ल्ड कप भी खिला लिया है, आपने 2017 की चैंपियन ट्रॉफी भी आप उसकी बदौलत जो है वो अच्छी बॉलिंग के बदौलत जीत गए हैं, आपने 2019 में भी जो है वो उसने अच्छी खासी बॉलिंग की और अब आपको जो है वो 7-8 साल बाद आपको याद आ रहा है नहीं जी मोहम्मद आमिर को नहीं खिलाना चाहिए। मोहम्मद हफीज को मेरा सीधा सा जवाब है कि भाईजान आप मेरा इतना सा जवाब दे दें कि अगर आप इतने उसूलों के पक्के हैं तो जब मोहम्मद आमिर आए थे, वापस आए थे और आपने मुखालफत की थी, तो अगर आपके ना जो वो है ना
अगर आप अपने उसूलों के इतने पक्के हैं ना, तो आपने मुखालफत की थी, आपने कहा था कि अगर आमिर को खिलाया जाएगा तो मैं नहीं टीम में खेलूंगा, लेकिन बाद में पीसीबी ने आपको कहा था कि ठीक है आपकी मर्जी है आमिर तो खेलेगा, तो आपने चुप करके उसी आमिर के साथ सेलिब्रेट करते रहे, उसी आमिर के साथ जो है वो ड्रेसिंग रूम शेयर करते रहे, उसी के साथ जो है वो एक टीम की तरफ से खेलते रहे, एक दूसरे को जफियां भी देते रहे, और उसके जब वो विकेट लेता था तो आप उसके साथ गले भी मिलते थे। तो अगर आपका स्टांस कोई है तो आप दोगलापन मत दिखाइए कि अब आप पावर में आ गए तो आप कहेंगे जी मैं अपना जो खुन्नस ना उस टाइम नहीं निकाल पाया था वो मैं अब निकालूंगा। आपको ऐसी घटिया हरकतें जो है वो जेब नहीं देती। आपको बात करनी है तो आप रियलिटी बेस बात करो। अगर आपने स्टांस लेना था तो आप वहां तब स्टांस लेते, कह देते ठीक है जी मैं फिक्सर्स के साथ नहीं खेलूंगा, मैं जो है जिनने पाकिस्तान के नाम को बदनाम किया मैं उनके साथ नहीं खेलूंगा। मैं ये अल्लाह माफ करे नहीं कह रहा कि फिक्सिंग करके मोहम्मद आमिर ने जो है वो बहुत अच्छा काम किया था। गलतियां सबसे होती हैं और इंसान जो है वो खता का पुतला है। हम हर बंदा जो है वो गलतियां करते हैं, हमारे ऐप जो है वो किसी के ऐप जो है वो जाहिर हो जाते हैं, जिसके जाहिर हो जाते हैं हम उसको मुजरिम समझने लग जाते हैं। अदरवाइज जो है वो गुनाह और गलतियां तो हम सब ही करते हैं। अल्लाह पाक ने अगर हमारे गुनाहों पर पर्दा डाला हुआ है तो हमें अल्लाह से तौबा करनी चाहिए, बजाय इसके कि जो जिस बंदे का ऐप या जिस बंदे का जो राज था वो सामने आ गया, अब उसको बदनाम करना शुरू कर दें। तो जब कौम ने उसको माफ कर दिया, जब उसने जो है वो पाकिस्तान के अवाम ने उसको माफ कर दिया, पीसीबी ने उसको माफ कर दिया, उसने अपनी सजा पूरी कर ली है। और अल्लाह के हां भी यही उसूल है यार कि एक बंदा गलती करता है तो उसकी अगर वो नदामत का शो करता है, अल्लाह से तौबा करता है तो यार अल्लाह भी माफ कर देता है। तो हम किस खेत की मूली है, हम क्यों जो है वो अपनी अनाऊ और जिद को जो है वो इतना बड़ा बना के बैठे हुए हैं कि हमने मोहम्मद आमिर को नहीं खेलने देना। और अगर मैं स्टांस आपने लेना ना तो तब आप लेते कि ठीक है जी मोहम्मद आमिर को आपने खिलाना तो मैं क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहा हूं, या जब तक मोहम्मद आमिर खेलेगा मैं तब तक नहीं खेलूंगा। तब तो आप चुप करके आमिर के साथ खेलते रहे, उसके साथ सेलिब्रेट भी करते रहे, उसके साथ खाते पीते भी रहे, उसके साथ जो है वो ग्राउंड भी शेयर करते रहे, एक दूसरे को जफियां भी देते रहे। और लेकिन अब जो है वो आप चूंकि पावर, आपको पता है जी मेरे पास पावर आ गई है तो मैं अब जो है वो अपनी जो खुन्नस है, अपनी जो दुश्मनी है वो उस टाइम निकालना शुरू हो जाऊंगा। तो मेरे ख्याल से नसीम शाह का जो परफेक्ट रिप्लेसमेंट है वो मोहम्मद आमिर से कोई भी बेहतर जो है वो ऑप्शन नहीं हो सकती। और सिर्फ मुल्क पाकिस्तान आपका नहीं है, या आपने अकेले ने ठिकाने लगाया हुआ, आप पोल करवा ले, आप जो है वो इस चीज पर राय लोगों की ले ले, तो मेरे ख्याल से 90% से ज्यादा लोग जो है वो मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान की टीम में खेलता हुआ देखना चाहते हैं। तो अगर वो सारे पाकिस्तानी उसको माफ करने के लिए तैयार है तो आपने अपनी अना का क्यों मसला बना के बैठा हुआ है। बस मसला ये है कि बाबर आजम अपनी यारी नाते जो है वो चलाना चाहते हैं, वो फहर जमान को भी खिलाना चाहते हैं, वो सलमान अली आगा को भी खिलाना चाहते हैं, वो जो है वो वसीम जूनियर को भी खिलाना चाहते हैं। वो उनका जवाब सुनो जी, हमारे पास मोहम्मद वसीम जूनियर है, शाहनवाज दानी है हमारे पास हसन अली है, हमारे पास हसनैन है। यार खुदा का खौफ करो, आप भी क्रिकेटर, आपको हमसे बेहतर पता है कि मोहम्मद आमिर कहां है, मोहम्मद वसीम जूनियर कहां पे, शाहनवाज दानी कहां पे है। और मैं हसन अली की चले वो अच्छा बॉलर है, चले वक्ती तौर पे वन फिट है, लेकिन शाहनवाज दानी का नाम लेना और मोहम्मद वसीम जूनियर को जो है वो मोहम्मद आमिर से कंपेयर करना, ये किसी सूरत जो है वो काबिले कबूल नहीं है। और ये आपको भी पता है कि आप जो है ये बोलकर ज्यादती कर रहे हो। और फहर जमान आउट ऑफ द फॉर्म है तो आप उसको जो है वो लगातार खिलाए जा रहे हो, ठीक है वो भी आपकी मानी जाती है। फहर जमान बड़े मैच का प्लेयर है, वो जिस फॉर्म में आ गया आपको अकेला मैच जितवा देगा, आप उसको भी खिलाओ, आप इफ्तिखार अहमद को भी खिलाओ, आप इमाद वसीम को, स्पिन डिपार्टमेंट जो एक नजर आ रही है चीज के जो है वो इंडिया या तो आपको सीम स्विंग वाली विकेट्स मिलेंगी, सीम विकेट्स मिलेंगी या जहां पे स्पिनर्स को मदद मिलेगी, या फिर आपको फटा विकेट्स मिलेंगी, तो जहां पे आपके फास्ट बॉलर्स को मार पाड़ी होगी ना, तो इमाद वसीम आपके लिए जो है वहां पे विकेट टेकिंग ऑप्शन और नए बॉल से आपको विकेट्स लेकर देगा। और इमाद वसीम जो है वो उसने इतनी ज्यादा क्रिकेट खेली है, पूरी दुनिया में उसने इतनी ज्यादा क्रिकेट खेली है कि उसको प्रेशर हैंडल करना आ गया और वो अच्छी फॉर्म में विद बैट एंड बॉल ऑल्सो। और मोहम्मद आमिर जो है वो तो 9 मैचेस में उसने 15 से 16 विकेट्स ली है, वो भी भरपूर फॉर्म में है। तो फिर भी आप अगर इन खिलाड़ियों को शामिल नहीं करते, और सरफराज अहमद कहां पे है, और जो है वो मोहम्मद हारिस कहां पे है, और आप मोहम्मद हारिस को खिलाना चाहते हैं, और क्योंकि वो आपको पता है कि जहां पे उसको खड़ा कर देंगे वो खड़ा रहेगा, जो भी होगा वो मेरी हां में हां मिलाता रहेगा। सरफराज एक सीनियर प्लेयर है, उसकी अपनी सोच है, कहीं वो परफॉर्म कर गया तो मोहम्मद रिजवान की टीम से जगह ना जाती रहे, तो आपको ये भी तकलीफें हैं। तो बाबर आजम को सोचना चाहिए कि ये पाकिस्तान की टीम है, उनकी गली मोहल्ले की जो है वो टीम नहीं है। और आज जब उनसे सवाल किए गए कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो क्यों होती जा रही है, आपने श्रीलंका या दूसरी टीम्स को अच्छे पिक उनको करके अच्छी शुरू में अच्छी विकेट्स लेके बाद में उनकी पार्टनरशिप क्यों बिल्ड होने दे रहे हैं, आप बार बार एक ही गलतियां क्यों दोहरा रहे हैं, तो इस चीज पर जो है वो बस खानापूरी की गई बाबर आजम की तरफ से भी, कोच की तरफ से भी, टीम मैनेजमेंट की तरफ से भी, और कोई खातिर हाँ जो है वो सवाल का जवाब नहीं दिया। और
जका अशरफ और जो क्रिकेट कमेटी है वो जो है वो उससे खुश नजर नहीं आई उन जवाबात से, और आइंदा जो है वो बाबर आजम को बेहतरीन बेहतर हिकमत अमली से जो है वो खेलने का मशवरा दिया गया, और टीम मैनेजमेंट ने और कोचिज ने भी जो है वो मजीद जो है वो अच्छा खेल 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 पेश करने की जो है वो इन द सेंस है कह लें कि कसम खाई है या वादा किया। आप देखते हैं कि वो क्या करते हैं, लेकिन जब आप उसी तरह के प्लेयर्स को सारों को लेकर चले जाएंगे, शदाब खान से परफॉर्म नहीं हो रहा, मोहम्मद नवाज जो है वो कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहे, उसामा मीर को आप खिला नहीं रहे, इमाद वसीम जो पाकिस्तान के पास स्पिनर की ऑप्शन है वो जो है वो आप उसको टीम में लाना नहीं चाहते, नसीम शाह जो है वो उसका अब ये भी सुनने में आ रहा है कि मे बी अगर नसीम शाह का 50-50 चांस भी हुआ फिट होने का तो नसीम शाह को वर्ल्ड कप के लिए जो है वो ले जाया जाएगा, इस चीज का भी कह रहे हैं कि वेट किया जा रहा है। इस वजह से पाकिस्तान टीम का जो स्क्वाड का अनाउंस करना है वो इसी वजह से लेट हो रहा है। तो मेरे ख्याल से जो है वो बाबर आजम को ये सोचना चाहिए कि उनके गले मोहल्ले की टीम नहीं है ये, उनके मैं क्या कहूँ घर की टीम नहीं है जिसमें वो यारे नाते निभा रहे हैं। उधर दूसरी तरफ जो है वो इंजमाम उल हक जो है वो चीफ सिलेक्टर है, और हैरानी की बात है कि चीफ सिलेक्टर जो है वो मीटिंग में है ही नहीं, जिसने एशिया कप का स्क्वाड फाइनल किया था, जिसने वर्ल्ड कप का स्क्वाड का ऐलान करना है वो आज की मीटिंग में था ही नहीं, और सुनने में यह है कि उनकी कोई मेडिकल की जो है वो उनकी कोई अपॉइंटमेंट थी, उनका शायद कोई चेकअप था, तो मेडिकल जो है वो बेसिस पे जो है वो उन्हें मीटिंग अटेंड नहीं की। अदरवाइज जो है शदाब खान को भी जो है वो मीटिंग में मौजूद थे, और शदाब खान का टीम में मौजूद होना ये चीज साबित करता है कि आपको वर्ल्ड कप में जो है वो शदाब खान तो कम अज कम आपको ड्रॉप होते हुए नहीं दिख रहे, और वही आपको वाइस कैप्टन जो है वो जो है वो वाइस कैप्टनसी करते हुए जो है वो आपको दिखेंगे। तो बड़े दुख की बात है कि जो है वो जो है वो चेयरमैन है वो बाबर इमाद वसीम और जो है वो मोहम्मद आमिर को शामिल करवाना चाहता है, मोहम्मद हफीज धू अपने बंदे शामिल करवाना चाहता है, मुसबा हक अपने बंदे शामिल करवाना चाहता है, कोचिज अपनी मर्जी करना चाहते हैं, बाबर आजम अपनी मर्जी करना चाहते हैं, वो अपने यारों को खिलाना चाहते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट का लई हाफिज है, मुझे लग तो नहीं रहा कि पाकिस्तान जो है वो इस तरह की हरकतें करके या इस तरह के खिलाड़ियों को जो है वो खिला के माजा के साथ बुरी लगेगी सबको कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप इस तरह की टीम के साथ जीत सकता है। अगर आपने सिर्फ खाना पूरी करनी, अपने यारे नास्तों को खिलाना है, अपने जो है वो करीबी लोगों को नवाजना है, तो फिर ठीक है आप नवाजते रहें और इसी तरह हारते रहें, और माशाल्लाह हम अपना टाइम जाया करते रहेंगे, हम जो है वो बात करते रहेंगे, हम बस ये नारे लगाते रहेंगे कि तुम जीतो या हारो हमें आपसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है, ये हम नारे लगाते रहेंगे, लेकिन आप बस उस टाइम का वेट करो कि कब हमारा जो है वो सब्र जो है वो सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए और हम जो है वो पूरी आवाम आपको गालियां देने पर उतर आए और आपको कहें कि इस टीम को ही खत्म कर दो, इतनी घटिया टीम को। और हर महकमे का यही हाल है, हर बंदा जो है जिसका वो कहते हैं पंजाबी में मसाला जिदा जिथे दाल आता उठे वो मुड़ता नहीं, वो वध सु वध ही दाल आने रहते हैं, हर बंदा जो है वो अपने दाव के पीछे पड़ा हुआ कह रहा है कि मेरा थोड़ा काम समझे, मैं अपनों को थोड़ा नवाज हूं, बाकी मुर्ग बढ़ता है खप्पे में तो बढ़ जाए, मुझे उससे कोई नहीं है। पाकिस्तान की टीम जो है वो फ्लॉप परफॉर्मेंस दिखाती तो मुझे कोई परवाह नहीं है, और यही वर्ल्ड कप हरा के बिना खुदा ना हास्ता, अल्लाह करे कि पाकिस्तान जीत जाए, इन रेलो कटों के साथ भी जीत जाए, लेकिन मुझे उम्मीद बहुत कम है, और अगर पाकिस्तान जीत जाता तो मेरे लिए खुशी की बात होगी क्योंकि मेरे लिए मेरा मुल्क जीता है, मैं किसी खिलाड़ी के लिए कोई लॉबिंग नहीं कर रहा, या मैं कौन होता हूं किसी टीम के किसी भी खिलाड़ी के लिए लॉबिंग करने वाला, या मेरी क्या हैसियत है, लेकिन बड़ा दुख होता है इस तरह के खिलाड़ी के साथ आप वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते, लेकिन अगर पाकिस्तान जीत जाता तो मेरे लिए वो बहुत खुशी की बात होगी, लेकिन खबरें अच्छी नहीं है। और पाकिस्तान वो जो सुहेल इमरान ने जो लिखा था कि कश्ती में जो है वो सुराह हो गया, और वो जो है वो जिसका मतलब साफ साफ ये था कि कश्ती में सुराह हो गया, उसका मतलब है कि कश्ती में पानी भरना शुरू हो गया और वो डूबना शुरू हो गया, और आगे उन्होंने हैशटैग दिया था पीसी पाकिस्तान क्रिकेट। तो पाकिस्तान क्रिकेट का अल्लाह हाफिज़ है, मैं क्या कह सकता हूँ, हर बंदा अपने दाव के लिए खेल रहा है और हर बंदा जो है वो अपने दाव के लिए जो है वो काम कर रहा है। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, और प्लीज़ जो हज़रात नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब कर लिया करो, और आपकी जो है वो दुआओं के साथ आपकी जो है वो सपोर्ट के साथ मेरा चैनल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल हो गया कि उसको मैं मोनेटाइज करवा सकूं, और 1000 सब्सक्राइबर का जो पहली रिक्वायरमेंट थी और 4000 वाचर का घंटा वो आप सब लोगों की बदौलत जो है वो मुकम्मल हुआ है, तो मैं आपका उसके लिए इंतहाई शुक्रगुजार हूं, और आइंदा भी इसी तरह मुझे जो है वो सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर जो है वो कंटेंट लेके आता रहूं। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।